अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो ये वीक भी मार्केट के लिए एक वॉलेटाइल वीक रहा, और इस वीक में अगर हम देखें तो प्रीवियस वीक के कंपैरेटिवली ट्रेडेड वॉल्यूम्स जो हैं वो कम नज़र आए हैं, और उसकी वजह ये है कि ये ट्रेडिंग वीक जो था ये शॉर्ट था। इसमें दो ट्रेडिंग सेशंस ऐसे थे कि जिसके अंदर हॉलीडे अनाउंस हुई थी, तो जिसकी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम भी हमें प्रीवियस वीक के मुकाबले में कम नज़र आया है। इस वीक का आगाज़ इंडेक्स ने पॉजिटिविटी के साथ करा और एक बुलिश बायस क्रिएट करके रखा, साइंस ऑफ स्ट्रेंथ शो करे, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक जो रहा उसके अंदर इंडेक्स ने एक डिप ली, जिसके अंदर मोर देन 2300 पॉइंट्स इंडेक्स ने इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान लूज़ करे। इस डिप के बावजूद इंडेक्स ने अपने प्रीवियस लो को स्टिल होल्ड रखा हुआ है, और अगर हम बात करें इंडेक्स के नेट चेंज की, सो इस रिकॉर्डिंग के वक्त इंडेक्स अपने ओपनिंग लेवल्स के पास ही ट्रेड कर रहा है, मीन्स कि अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है इस वक्त, और एक स्लाइट एक माइनर सा चेंज इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स की सूरत में देखा गया, जो कि 28 पॉइंट का है। 28 पॉइंट से इंडेक्स जो है वो इस वक्त पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रहा है, और एक शार्प रिकवरी इस डिप के बाद इंडेक्स में देखने को मिली है। चार्ट स्ट्रक्चर वाइज इंडेक्स की जो मेजर सपोर्ट नज़र आती है वो 61,700 और 600 के एरिया में नज़र आती है। यहाँ से इंडेक्स पोटेंशियली एक बाउंस दोबारा दे सकता है, और ये अगर एरिया ब्रेक होता है सो इंडेक्स 60,500 और 60,600 की तरफ ड्रैग डाउन हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, सो इंडेक्स को 63,800 के पास एक चैलेंजिंग नंबर है, जो कि इंडेक्स को रेजिस्टेंस के तौर पर फेस हो सकता है। ये नंबर अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक होता है, इंडेक्स अपनी सस्टेनेंस इस एरिया के ऊपर शो करता है, सो इंडेक्स जो है वो 64,500 और 65,200 की जानिब बढ़ सकता है। पोजीशंस को सपोर्ट रीजन्स के पास एक्युमुलेट करना चाहिए और अपने रिस्क को सपोर्ट रीजन के नीचे डिफाइन करना चाहिए। सेक्टोरल पिक्स के हवाले से बात करते हुए कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करें, सो कमर्शियल बैंक्स में HBL बैंक, UBL बैंक और MCB बैंक लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव एट दीज लेवल्स, और इनमें पोजीशंस को बनाना बेहतर साबित हो सकता है। दूसरी जानिब अगर हम देखें सो ENP का जो सेक्टर है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का, उसके अंदर OGDC और PPL ये अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, इनमें पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए। जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर से FFVL और एग्रो कॉरपोरेशन लुकिंग अट्रैक्टिव एट दीज लेवल्स, सो इनमें भी इन लेवल्स के पास पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए। फ्रॉम पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कराची इलेक्ट्रिक एंड हबको ये बेहतर नज़र आ रहे हैं, इनमें पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए। जबकि फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के सेक्टर से यूनिटी फूड्स, फौजी फूड्स और ट्रीट कॉरपोरेशन ये बेहतर नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस बनानी चाहिए। फ्रॉम रिफाइनरी सेक्टर PRL एंड ATRL लुकिंग अट्रैक्टिव, इनमें डिप मिलती है तो उसको अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना चाहिए और पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए। फॉर रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस एंड क्यूरीज काइंडली विजिट अस एट akdsl.com।